हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान ग्लोरी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ मैथ के ट्रिक लाए हैं दोस्तों, जो बहुत ही मजेदार हैं, आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये ट्रिक सीखने के बाद। तीन ट्रिक लाए हैं आज आपके लिए हम। पहला है, कोई भी सिक्स डिजिट नंबर को कैसे थ्री डिजिट नंबर बनाएं हम। कोई भी सिक्स डिजिट नंबर है उसे कैसे थ्री डिजिट नंबर बनाए, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत मजेदार है। और किसी का भी आंसर दो कैसे लाए हम। बचपन से आपने एक वो ट्रिक सुना होगा, कोई भी नंबर सोचो, थिंक का नंबर, वो वाला ट्रिक करेंगे और उसका आंसर हमेशा दो हम लाएंगे। और कोई भी थ्री डिजिट का नंबर होगा उसको हम 37 बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों पहला ट्रिक सीखते हैं। पहला ट्रिक है, किसी भी सिक्स डिजिट नंबर को कैसे हम थ्री डिजिट नंबर बनाए। और बहुत ही मजेदार है ये। देखिए स्टेप में, देखिए स्टेप वाइज। पहला स्टेप देखिए दोस्तों, टेक एनी थ्री डिजिट नंबर, कोई भी आप तीन डिजिट नंबर का संख्या लें, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 451। आप कोई सा भी ले सकते हैं, सिर्फ 650, कोई से भी थ्री डिजिट का नंबर आप ले सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि अरे सिक्स डिजिट नंबर को थ्री डिजिट बनाना था तो हमने सोचा ही थ्री डिजिट नंबर है, ये ऐसे नहीं है दोस्तों। अब देखिए, वो तो हमने टाइटल हमारा ये है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करना है दोस्तों। चलिए अगला स्टेप देखिए, राइट इट ट्वाइस टू मेक अ सिक्स डिजिट नंबर। इसको दो बार लिखिए छह डिजिट नंबर बनाने के लिए। जैसे 451 हम मैंने लिया था अपने तरफ से, आपने भी जो लिया उसको भी दो बार लिखिए, 451 एक बार और 451 एक बार और। ठीक है दोस्तों, मैंने दो बार लिख लिया है 451 451। तो अभी सिक्स डिजिट नंबर का एक संख्या बन गई है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। चलिए देखिए अगला स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इट बाय 7, 11, 13। जो ये सिक्स डिजिट का नंबर हमारे पास आया है, इसको 7, 11 और 13 से डिवाइड करना है, कोई भी ऑर्डर से। मतलब पहले 7 से कर लीजिए, पहले 11 से कर लीजिए, पहले 13 से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो द आंसर इज योर ओरिजिनल नंबर, जो हमने पहले सोचा था ना, वही नंबर हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए 451 451, सिक्स डिजिट के नंबर को हमने किसे डिवाइड किया, 7, 11, 13 से। हमारा जो इसको डिवाइड करने का जो आंसर आएगा ना दोस्तों, वो 451 आएगा। एक बार रफ समझ लीजिए, कोई सा भी नंबर आप सोचिए तीन डिजिट का, मैंने सोच लिया 351 350, कोई सा भी सोच लीजिए आप 302 मैंने सोच लिया। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी सोच लीजिए आप थ्री डिजिट का कोई सा भी नंबर, ये 100% सही है दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, दो बार लिख लीजिए सिक्स डिजिट बनाने के लिए। देखिए 302 सोचा था मैंने, 302 दो बार लिख दिया, सिक्स डिजिट का नंबर बन गया। अब इसको डिवाइड कीजिए आप किससे, 7, 11 एंड 13 से। अलग अलग करिए, एक साथ करिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बात होइए। सेवन इलेवन थर्टीन से डिवाइड कीजिए तो ये पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो ये जो आंसर आएगा हमारा यही आएगा, ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि ये आंसर आया कैसे, इसके पीछे कौन सी लॉजिक है कि यही जो नंबर हमने सोचा उसको जब सिक्स डिजिट किया तो डिवाइड करने के बाद सेम यही नंबर कैसे आया दोस्तों। चलिए एक बेसिक सा मैथ देखते हैं, आइए दोस्तों उसके पीछे का हम लॉजिक देखते हैं, सिंपल सा मैथ करते हैं। आप सबको पता होगा कोई भी थ्री डिजिट का नंबर के पास वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड्स होता है। हिंदी में इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीन चीज होता है। जैसे यहाँ पे 400 के प्लेस पे है, 5 10 के प्लेस पे है, 1 वंस के प्लेस पे है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 100 प्लस 5 10s के प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 1s के प्लेस पे 1 है तो उसको ऐसे सिंपल। ठीक है, समझ आइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम नंबर सोचा था। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए, अब जब हम
जब इसको हम 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं, सेम संख्या को दो बार लिख के, सेम नंबर को दो बार लिख के, 451 451, तो उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? फोर कौन से प्लेस पे है दोस्तों? 100,000 के प्लेस पे है, देख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, मतलब 100,000 के प्लेस पे है। फिर 5, 10,000 के प्लेस पे है, ये वाला 1, 1,000 के प्लेस पे है, 400 के प्लेस पे, 5, 10 के प्लेस पे, 1, 1s के प्लेस पे। तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से हमने इसमें हमने 1000 दोस्तों कॉमन ले लिया, 1000 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा दोस्तों? देखिए यहां से 1000 कॉमन लीजिए, 4 × 100 प्लस में यहां से 1000 कॉमन लीजिए, 3, 0, 5 × 10 प्लस में यहां से 1000 कॉमन ले लीजिए पूरा, ये तो 1 बचेगा। ठीक, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब ठीक है दोस्तों, यहां से हमने 1000 कॉमन ले लिया। अब ये देखिए, ये जो नंबर है, ये जो एक्सपेंड हमने किया है और ये जो है, दोनों सेम है। ये कितनी बार है दोस्तों? 1000 बार। ये कितनी बार है? 1 बार। तो इसको हम ये हम 1000 बार है और ये 1 1 टाइम्स है, तो क्या कर सकते हैं? ये 1000 टाइम्स, ये 1 टाइम, तो ये हो सकता है ऐसे 1000 1000 1 टाइम्स, क्या ये पूरा नंबर 4 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 1, ये समझिए दोस्तों, ये 1000 टाइम्स था, ये 1 टाइम्स था। तो इसको हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, 1000 1 बार 1000 1 टाइम, ये पूरा नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। तो ये 1001 को ये क्या था? 451, 4, 5, 4, 5, 1, ठीक है, 4, 5, 1। अब जो लॉजिक की बात है, जो ये 1001 आया है दोस्तों हमारा, ये किस नंबर, ये अगर आप इसको देखोगे तो मैंने थर्ड स्टेप में क्या बताया था आपको, कि जो नंबर आपका 6 डिजिट होने के बाद आया है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 7 से 11 से 13 से। तो जो ये नंबर है, तो ये क्या होता है? ये 7 × 11 × 13 को गुना कीजिएगा तो ये सेम नंबर आएगा, 1001। यही नंबर हमारा सेम आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रिक था, यही तुम्हारा ट्रिक है। समझ गए आप दोस्तों कि कैसे 4, 5, 1 जो हमने सोचा था वही लास्ट में आंसर आया हमारा, इसमें डिवाइड करने के बाद 6 डिजिट नंबर बनाने के बाद भी वही सेम नंबर आया। चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए अगला ट्रिक देखिए, द आंसर इज टू, किसी भी नंबर को का आंसर हमेशा टू हम कैसे ला सकते हैं? देखिए, किसी को बोलिए आप थिंक अ नंबर, कोई नंबर सोचो, सोच लेगा एक्स, कोई भी नंबर सोच ले उसने, एक्स वाई कुछ भी सोच ले, पहले उसको मल्टीप्लाई इट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई की करवाइए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, अब उसमें ऐड करवाइए 6, 6 को ऐड करवाइए तो क्या हो जाएगा? 3x + 6। ठीक है, ये 3 स्टेप आसान आसान से समझ आ गया। अब डिवाइड बाय 3, अब ऐड करवाने के बाद आपको क्या करवाना है? 3 से डिवाइड, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद x + 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द नंबर यू स्टार्टेड विथ, जो ये हमारे अब डिजिट आएगा उसको हमें माइनस करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है जो नंबर से हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट हमने एक्स से किया था, तो एक्स माइनस करा दीजिए तो 2 आएगा आंसर। समझ आया? जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी नंबर सोचिए आप, कोई भी सोचिए, चलिए मैंने 13 सोच लिया। ठीक है,
पहला हो गया थिंग का नंबर, 13 सोच लिया मैंने, क्या करवाना है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 3 39, दूसरा स्टेप कंप्लीट, ठीक है, एड 6, 6 एड्स में इसमें ऐड करा दीजिए, तो 39 प्लस 6 45, ठीक है 45। अब अगला स्टेप डिवाइड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करा दीजिए, 15 आएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट द नंबर यू स्टार्टेड विद, हमने किससे स्टार्ट किया था, 13 से स्टार्ट किया था, इसमें से माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 13 क्या आ गया, ये 2, समझ गए, ये आप किसी को भी पूछ सकते हैं, किसी से भी ट्रिक कर सकते हैं। चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही मजेदार है वो भी, चलिए स्टार्ट करते हैं वो भी। चलिए थर्ड ट्रिक देखते हैं, एनी 3 डिजिट नंबर बिकम 37, कोई भी 3 डिजिट का नंबर 37 कैसे बन सकता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप देखिए, टेक एनी 3 डिजिट नंबर वेयर ऑल डिजिट आर सेम, वेयर ऑल डिजिट आर सेम मतलब 11111, 222, जैसे मैंने ले लिया अपनी तरफ से 333, यहाँ तीनों डिजिट सेम होने चाहिए, यानी कि 427333 2, मतलब तीनों डिजिट सेम होने चाहिए, जैसे 111222999, ये नंबर सेम होने चाहिए, डिजिट सेम होने चाहिए। एड अप द डिजिट, हमने को डिजिट को ऐड कर देना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 333 9, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, डिवाइड योर ओरिजिनल नंबर बाय योर आंसर फ्रॉम स्टेप 2, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जो हमने सोचा है उसको अपने अगले वाले सेकेंड स्टेप से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या था हमारा 333 बाय 9, डिवाइड कीजिए 9 9 3 27, क्या बचा यहाँ पे 6, और 9 7 63, ये आ गया हमारा 37, समझ गए दोस्तों। ये तीन ट्रिक थी, बहुत ही मजेदार दोस्तों, ये तीनों ट्रिक अब अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी सिखाइए और सबके साथ ये कीजिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।